हे गाइस, दिल की बात में आपका स्वागत है। नो प्रिपरेशन, नो राइटिंग, नो स्क्रिप्ट, ओनली दिल की बात। गाइस, कल मेरे साथ कुछ अजीब चीज हुई। मैंने आप लोगों को तो बोल दिया कि मेरा गोल ऐसा है वैसा है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो रखूंगा ही, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन मैं वीडियो रखूंगा ही। हाँ, वो कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी तो शायद ब्रेक हो सकता है, लेकिन बैकग्राउंड की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से मैं शूटिंग नहीं कर पाया, इसकी वजह से कि मेरा कोई पर्सनल बहाना नहीं चलेगा। अगर कोई सीरियस बात होगी तभी मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसा होगा, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन आपको मैं बता दूँ, मैंने एक दूसरी चीज़ भी ये लॉन्ग वीडियो रखने से पहले भी सोची थी कि मैं हर रोज़ शॉर्ट्स भी डालूंगा। अगर मैं अपना एक नया गोल बना रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियो भी रखूंगा, एक हर रोज़ एक जॉब से आने के बाद शूटिंग करके मैं एक वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं अपना पहले का गोल तो नहीं भूल सकता ना। लेकिन जब से मैं ये लॉन्ग वीडियो रख रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स पे फोकस ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? कि मुझे एक दूसरी चीज़ पे मज़ा आने लगा, तो मैंने पहले जो था, जो डिसाइड किया था, वो मैं भूल ही गया। मैंने शॉर्ट्स को अहमियत देना बंद कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरा गोल सिलेक्ट कर भी लेते हो तो पहले वाला गोल को क्यों छोड़ देना? अगर आप उससे नहीं पूरा कर सकते तो दूसरा क्या पूरा करो? शायद मैं ये लॉन्ग वीडियो भी छोड़ दूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? जब भी हमारे पे प्रॉब्लम आती है कोई भी, तो हमें उसके कोजेस पता है ना, वो फ्लो चार्ट जैसा होता है कि मेरे इलाके मुझे ये प्रॉब्लम आई तो इसका कारण क्या है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या देखें, किसकी वजह से आई, क्यों आई, कैसे आई, कहाँ पे है, कैसे ख़त्म होगी, ये सब उसके फ्लो चार्ट है। ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ कि आप अपने गोल से क्यों भटके। मेरे पास टाइम नहीं था, ऐसा तो है नहीं। मैंने 10 बजे से पहले एडिटिंग तो कर ली थी, अपलोड भी कर ली। इसमें क्या होता है, मुझे क्या लगता है, जब हम कुछ सोच लेते हैं कि ऐसा करना है, तब दो तरह के थॉट आते हैं। एक कठिन वाला रास्ता होता है, मैंने सोच लिया है कि मैं अपलोड करूँगा 1000 वीडियो, बहुत कठिन रास्ता है, हर रोज़ करना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन डटे रहना है, ये कठिन मार्ग। दूसरा मार्ग है, मैं भूल जाऊँ, ये सब नहीं होने वाला, आसान तरीका। मेरा माइंड क्या बोलेगा, अरे ये सब क्या कर रहा है तू, फालतू चीज़, सब लोग रील्स पहन रहे, तू भी रील्स देख, नेट इसीलिए थोड़ी ना दिया है, तू तो अपना 1.5 GB भी पूरा नहीं कर पाता, ऐसा माइंड सोचेगा। आज का 1.5 GB में से 700 MB तो रह गया, चल जल्दी से पूरा कर, ऐसा माइंड बताएगा, तो मैं रील्स चेक करने बैठ जाऊँगा। ऐसा कोई मूवीज देखने बैठ जाऊँगा, वेब सीरीज, ये माइंड भटका रहा है, क्या कर रहा है। जब ऐसे थॉट्स आते हैं जो दो तरह के होते हैं, तब हमें कठिन रास्ते को ही चूज़ करना है। मेरे साथ कल हुआ, मैं खुद ही उसमें उलझ गया। मैंने कल शॉर्ट्स नहीं बनाए, कल क्या, मैं 3 दिनों से नहीं बना रहा। हाँ, मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ लेकिन शॉर्ट्स नहीं बना, मैं माइंड के बहकावे में आ गया। हाँ, पहले 3 दिन ऐसा था कि लॉन्ग वीडियो में मुझे एडिटिंग में दिक्कत हो रही थी, मैं कुछ नया सीख रहा था, इसकी वजह से बार बार बच जाता था लॉन्ग वीडियो को ही एडिट करने में, उसे अपलोड करने। लेकिन कल ऐसा नहीं था, कल मेरे पास टाइम था लेकिन मैंने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि 3 दिन जो ब्रेक पड़ा, उससे मुझ में एक गलत हैबिट आ गई, शॉर्ट्स वीडियो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर गोल सिलेक्ट किया होगा तो होगा, अगर आपने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया, आप लोग जैसे जी रहे हैं ऐसे ही जी रहे हो, सुबह उठते हो, जॉब जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो, गप्पे मार के वापस आते हो, खाना खाते हो, मूवी देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, फिर से सो जाते हो, फिर से सुबह उठते हो, ऐसा रूटीन जिनका है वो लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है, मैं नहीं कह रहा मैं सही हूँ कि मैंने अपना गोल बना लिया तो मैं कामयाब होऊंगा ही, या फिर मुझ में आप जैसी आदतें नहीं, हाँ है, पहला ही एग्जांपल मैंने मेरा दिया कि कल मेरे से ऐसी गलती हुई कि मैंने अपने माइंड की सुनी। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं भी सुन रहा हूँ, नहीं सुन रहा, मैं भी अपनी माइंड की मान लेता हूँ और आसान तरीका अपना लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा प्लस पॉइंट क्या है पता है,
मैं समय रहते संभल जाता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि हाँ मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो मुझे यहीं पे रुक जाना है। जिसको ये पता चल जाता है ना वही आगे बढ़ सकता है, मेरा तो यही मानना है। लेकिन क्या आप समझ रहे हो कि आप गलत रास्ते पे हो कि जा रहे हो? अगर ये चीज़ समझ गए तभी आप आगे बढ़ पाओगे, मेरा ये प्लस पॉइंट है। फिरते गाइस, तो हमें अपने माइंड की नहीं सुननी है, माइंड तो हमें भटकाएगा ही कि ये मत करो वो मत करो। ये आपको सोचना है, सक्सेस की ओर बढ़ना है तो माइंड को हराना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आलस आ जाता है। हमें खटिया में पड़े रहना अच्छा लगता है लेकिन उसी टाइम में अगर कोई मेहनत करनी पड़े तो अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूँ कॉलेज जाने के बाद या फिर जॉब से जाने के बाद घर लौट के आराम तो चाहिए, लेकिन क्या इस आराम से आप 30 साल के हो जाओगे या 40 साल के हो जाओगे, उसके बाद क्या आप शांति से रह पाओगे? अगर अभी तकलीफ नहीं उठाई तो क्या आगे जाके तकलीफ झेल पाओगे? अगर अभी तकलीफ उठा ली, ये जो 2-4 घंटे आप सोते हो ज़्यादा, उसे कम करके मेहनत करके कोई ज़िंदगी में कुछ हासिल करके अगर आपकी 40 साल की बाद की ज़िंदगी सुधर रही है तो ये एफर्ट तो करना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। तो गाइस, इस बात में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली दिल की बात में, तब तक के लिए गुड बाय।